नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका कुछ डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग मशीन का आपका सामान और कुछ इस टाइप का रैपर जो आपका रेडी किया हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग मशीन के बारे में, मतलब मशीन किस तरीके की होती है, कैसे काम करना है, क्या प्रोडक्शन है, किस तरीके का पेपर क्वालिटी है, पाउच बनेगा कैसा, आपका रॉ मटेरियल होगा बनकर जो रेडी होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्फ बनाने की मशीन, जो कि हर घर की जरूरत है, हर घर की नीड है। मतलब ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा, औरत नहीं होगी जो यूज नहीं करती होगी आपके घर के डेली बेसिस सामान में। तो जो सबसे ज्यादा खपत होने वाला भी आइटम है, ऐसा ही बोल सकते हैं आप इसको। तो डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग मशीन, सबसे पहले बात करते हैं मशीन की। तो मशीन इसमें आ जाता है आपका कोई मैनुअल और फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक कोई इस टाइप का मशीन नहीं होता है, ये सिर्फ ऑटोमेटिक ही आती है मशीनें। और सबसे कम रेंज से जो चालू करनी है मात्र पंचानवे हजार से शुरू होगी। 95,000 में एक मशीन नहीं, पूरा तीन मशीन का सेटअप देंगे हम लोग। पहला मिक्सर मशीन, दूसरा स्पिनिंग मशीन, तीसरा आपका बैंड सीलर मशीन। और इसमें एक और मशीन आती है केज मिल, वो आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन में होता है। मतलब आप ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, जैसे स्पिनिंग और केज मिल दोनों में से कोई आप एक मशीन लेकर काम कर सकते हैं। मतलब तीन मशीन का प्रॉपर सेटअप रहेगा। मिक्सर मशीन तीन चार तरह की आती है, कोई आता है आपका पर बैच है आपका 25 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg। मतलब आपको किस टाइप की मशीन चाहिए, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से हम आपसे डील करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका, ये तो हो गया मिक्सर मशीन जिसमें माल मिक्स ही है। दूसरा हो गया आपका बैंक सीरियल मशीन, जिसमें हम माल का रैपर जो इस टाइप का पन्ना है, माल भर के पाउच को हम इस तरीके से घुमा करके उसमें पैक करेंगे। आपको वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे, वीडियोस आपको दिखाया जाएगा उसमें। फिर एक आ जाता है आपका चालने वाली मशीन, जैसे मिक्सर मशीन में जो माल हम डल दिए उसमें पूरा प्रोसेस हो गया, फिर उसको चालेंगे ना, क्योंकि माल तो पूरा ढेला ढेला हो गया। स्पिनिंग मशीन में या केज मशीन जो भी आप परचेस कर रहे हैं दोनों के ऑप्शन में, वो उसमें माल डाल दिए, चाल करके माल जो पाउडर आपका फाइन बचा वो पाउडर को हम पैक करके बेचेंगे। मतलब वो पाउडर जाएगा, उस पाउडर को हम पैक करेंगे, वहां से फिर आपका फाइनल प्रोसेस होगा चाल करके माल निकालने वाला। उसमें सेमी ड्राई करके निकालता है, 2 से 3 घंटे फैन के नीचे रखिए, सूख जाएगा माल आपका। और उसमें क्या होता है, एक आ जाता है आपका जो स्पिनिंग, सिंपल माल उसमें चाल करके निकाल देता है, तो वो जो आपका ढीला ढीला ऑप्शन आ जाता है उसमें, जिसमें पानी का अगर मात्रा मिक्सर मशीन में ज्यादा चला गया तो कोई माल आपका ढीला हो गया, फिर से उसको या तो आप हाथ से चूर करके उसको पूरा प्लेन कीजिए, नहीं तो फिर से मिक्सर मशीन में डालिए, उसको मिक्स कीजिए, फिर से करिए। मतलब प्रॉपर एक तरह से देखा जाए तो अगर केजबी मशीन का सेटअप में आप ले रहे हैं तो वो फुल्ली आपका ऑटोमेटिक टाइप सेटअप रहेगा। मतलब आप तीन मशीन का मदद से हर तरह का, हर क्वालिटी का सर्फ बना सकते हैं। अब आता है बात, बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम ठीक है सर्फ तो बना लेंगे, मटेरियल भी चलो आप दे दीजिएगा, हम बताएंगे ही आपको कि माल हम दे देंगे, मेरे यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसी में कोई बोलते हैं मैडम कोई हमको दे रहा है 50 रुपए में केजी, कोई दे रहा है 30 रुपए में केजी, कोई दे रहा है 20 रुपए में केजी, तो क्या माल अलग अलग होता है? नहीं, जैसे ये है आपका माल, ये है आपका, देखिए आप देख पा रहे हो, ये है आपका डोलोमाइट पाउडर, ठीक है, जो सर्फ को हम लोग को व्हाइटनेस देता है। ये आपका कलर डाना, जो हम लोग सर्फ एक्सल वगैरह में आप देखते होंगे ब्लू आपका ऑरेंज इस टाइप का आपका ये चीज डाला हुआ रहता है, ये आपका कलर डाना। तीसरा आ जाता है आपका इस टाइप का पाउडर, जो कि आपका सर्फ बनाने में ये सब झाग वगैरह के लिए यूज होता है। और एक आ जाएगा आपका एओस पाउडर, जो इस तरीके से, बाकी इसमें और भी चीजें यूज होने वाली हैं, केमिकल पाउडर, कॉस्टिक सोडा, नमक, बहुत तरह का चीज होता है, 12-13 तरह का केमिकल पाउडर होता है। और हाँ, परफ्यूम सबसे मेन चीज, जो भी आपको अच्छा लगे, जैस्मीन, लेमन, फ्रेग्रेंस, जो भी आपको। ये हम तो 3-4 आइटम आपको दिखाए। मतलब ओवरऑल बात की जाए तो आप सारी तरीके का पाउडर केमिकल हमारे पास से ही जो ले जा रहे हैं उस पे ही है, लेकिन मेन चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो आपका फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूले की आप क्या दे रहे हैं, किस टाइप का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बनाने में, तो वो आपका चीज होता है, ठीक है। मतलब 3 से 4 तरीके का आपका सारा चीज काम हो गया। अब रह गया आपका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप जैसा है आप उस तरीके से जो हमारे इंजीनियर जाएंगे उनसे ले करके वहां पर कपड़ा धो करके साफ करके, झाग हो रहा है नहीं, उजला हो रहा है नहीं, सर्फ अच्छा बन रहा है कि नहीं, सारा चीज आप A to Z कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग मशीन। आप बात करते हैं कि बहुत चीजें हैं कि चलो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। मतलब आप 1 kg अगर सर्फ बेच रहे हैं अच्छे क्वालिटी का, तो आप 4 से 5 रुपए भी केजी पे कमा सकते हैं। अगर थोड़ा सा लो क्वालिटी का बेच रहे हैं तो 10 से 12 रुपए भी केजी पे कमा सकते हैं। जो 100 रुपए में 3 kg बेच रहा है, मान के चलिए 12 से 15 रुपए किलो सर्फ उनका बन जा रहा है। मतलब आपको ऑटोमेटिकली वो आपसे 20 से 25 रुपए ले ले रहा है 3 किलो सर्फ पे, कमा ले रहा है। तो हम इस तरह का भी डीलरशिप से काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि सेलिंग का, तो सेलिंग करने के लिए देखिए
अगर आप हमारे भरोसे बैठे रहिएगा तो आप अपना मार्केट कैसे पकड़ पाइएगा। हम आपको कोई एक कस्टमर देंगे, दो एक डीलर देंगे, या आप सेल कर लीजिएगा। बहुत लोग हैं मशीन बेचने के चलते सौ तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको सही तरीका बता सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं बिजनेस करने का, लेकिन आपको कस्टमर डीलर दे करके आपको गुमराह नहीं कर सकते कि हाँ सर हम आपको माल बिछा देंगे, आप हमारे यहाँ से मशीन ले लीजिए। ठीक है, तो हम मशीन दे देंगे, कच्चा माल दे देंगे, इंजीनियर दे देंगे, जाएगा बनाएगा सिखाएगा ट्रेनिंग देगा आ जाएगा। एक साल तक की मशीन की वारंटी रहेगी, पांच साल तक की सर्विस रहेगी। मशीन मात्र आपका 95,000 से शुरू है, जैसा क्वालिटी का लीजिएगा आप ग्रेड होते जाएगी मशीनें, वैसे रेट आपका बढ़ता जाएगा। अब आ जाती है बात की अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हैं या बिहार से बाहर के हैं, कहीं से भी मशीनें मंगवाना चाहते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कहीं से ही मंगवा सकते हैं। मान लो 30-40% पेमेंट करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी आपके दिए गए एड्रेस लोकेशन पे हम आपका मशीन डिलीवर कर देंगे ट्रांसपोर्ट में। वहां पे देखकर जो भी आपका पेमेंट बाकी है 60-70% वो लेकर आप वहां से मशीन फिर ले जा सकते हैं। लड़का जाएगा प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देकर चालू कर देगा मशीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ आपको आने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह, पर अब आप कैसे आप आइएगा हमारी कंपनी में ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो दिए गए एड्रेस लोकेशन या नंबर दिया गया स्क्रीन पे, उससे भी आप कॉल करके इजिली आ सकते हैं। जो आउट ऑफ बिहार के हैं, बाहर के हैं, उनके लिए हम एड्रेस एक बार बता देना चाहते हैं। हनुमान नगर नियर खेमनी चक मेन बाईपास अपोजिट ऑफ फोर्ड हॉस्पिटल, ठीक हमारे बाईपास पे एनएच हाईवे पे ही, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा आपका फुल एड्रेस, आप कहीं से भी आना चाहते हैं हमें एक बार कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए या दिए गए नंबर पर।